आपका अपने इस YouTube चैनल RD क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपना जो BEd का एग्जाम हुआ था 15 अप्रैल को, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे GS के, तो जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे आंसर हमारे 100% सही होंगे। तो आप अपने मैच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद इसके हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको कट ऑफ बताया जाएगा, तो जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कितने कट ऑफ तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है और कितने तक प्राइवेट, ठीक है। और कितनों को आपको जितने मार्क्स लेके आए हैं टोटल में, वो सब ऐड करके आप अपने खुद से देख सकते हैं कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट करना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है। तो जो त्रिपिटक धर्म था वो हमारा संबंधित था बौद्ध धर्म से। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बौद्ध धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर दो की बात कर लेते हैं। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। तो जो ओजोन परत है वो स्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो इसका आंसर है जो वो है ए पार्ट, स्ट्रेटोस्फीयर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन, वो क्या है। पारा है एक धातु, अधातु, मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं। तो जो पारा है ना वो है एक धातु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीली क्रांति संबंधित है। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दूध से, दूध के पालन से तो नहीं है, या दूध पालन, दुग्ध पालन लिख दिया है लेकिन दूध से संबंधित नहीं है, या मछली पालन से या हरित क्रांति से। तो इसका सही आंसर है मछली पालन से, जो नीली क्रांति है वो संबंधित है मछली पालन से। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो घूमर है वो है हमारा राजस्थान का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट, घूमर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड आया अस्थायी, तो अस्थायी थे जो होते वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसका सी पार्ट सही है। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी सदस्य हो गए थे इसके, तो यहाँ पर अस्थायी पूछा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी पार्ट। अब बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की, भारतवर्ष की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है। तो भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत, ठीक है। अब आ जाइए 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी 9वें, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो जो अकबरनामा थी वो लिखी गई थी खुद अकबर के द्वारा नहीं बल्कि अबुल फजल के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, 10 में पूछा हुआ है गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो सबसे पहले इसका जो निमंत्रण दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इन्होंने कुछ कारणों बस मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे, तो इन्होंने स्वीकार कर दिया था। उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका के थे हमारे प्रधानमंत्री, इनका नाम था सिरिल रामफोसा, तो ये आए थे 2019 में गणतंत्र दिवस पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं। तो जो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं वो हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने लिखी हुई है माई कंट्री माई लाइफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 12वां, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने कोलकाता लगाया है जो कि गलत है। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन था। आ जाइए बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। मैंने कप का वीडियो बना रखा है, अगर आपका कन्फ्यूजन हुआ करे तो वहाँ से देख लिया करो, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हमने बताया हुआ है उसमें कि कैसे याद करने हैं कप्स और ट्रॉफियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर डूरंड कप जो है वो संबंधित है फुटबॉल से, क्योंकि फुटबॉल से उसने मर्डर कर दिया था, मर्डर से डर से डूरंड हमने याद किया होता है, इसलिए हमें याद आ जाता है कि फुटबॉल जो है वो डूरंड कप से संबंधित है, डूरंड कप से संबंधित क्या है फुटबॉल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 14वें की, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो स्थित है जेनोवा में, ठीक है दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, 25 जनवरी 2019 को मतदाता दिवस की थीम थी कोई भी मतदाता ना छूटे, मतदान सभी का अधिकार, मतदाता जागरूक अभियान, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इस बार थी जो थी वो थी कोई भी मतदाता ना छूटे, तो इसका आंसर ए पार्ट था। 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
किस मध्य पूर्वी देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अमीरात। अमीरात ने ये क्या हुआ है, हिंदी भाषा को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा माना हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी पार्ट। अब 17वां क्वेश्चन निकालते कर लेते हैं। 2019 एशियन कप फुटबॉल का विजेता कौन रहा? तो यहाँ पर इसका जो विजेता था वो था कतर। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, ए पार्ट, कतर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? इसमें पूछा हुआ है मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 18वें का। अब बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें एक शांति के क्षेत्र में मिला था? तो इसका आंसर था लिनिस पॉलिंग। इसका नाम था लिनिस पॉलिंग, वो इसको एक शांति के रूप में, शांति में मिला था और दूसरा दूसरे क्षेत्र में मिला था। तो इसका आंसर पूछा हुआ था तो सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक है क्योंकि क्यों है, ये पूछा हुआ है इसमें। तो इसका आंसर है ये हीमोग्लोबिन के साथ जब क्रिया करता है तो ये प्रदूषक के रूप में प्रयोग हो जाता है, यानी प्रदूषक छोड़ता है, प्रदूषण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, 20वें का। अब बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। 21वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह देश जो ब्रेग्जिट प्रक्रिया से गुजर रहा है, ब्रेग्जिट प्रक्रिया से जो देश गुजर रहा है उसका क्या नाम है, यूके, यूएसए, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये गुजर रहा है किससे, ब्रेग्जिट प्रक्रिया से। अच्छा ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सांसदों द्वारा गांव के समग्र विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो पहला ऑप्शन था सांसद आदर्श ग्राम योजना, दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तीसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और चौथा है निर्मल ग्राम योजना। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सांसदों द्वारा चलाई गई है, तो सांसद के नाम से होगी। तो क्या था, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी सबका लगभग सही हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 23वें की। 23वें क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी फॉर दैट, 23वां क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो जय बहादुर के प्रतिनारायण के जो पिता थे वो थे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने कई एक प्रथाएं जो समाज में व्याप्त थी उनको खत्म किया था, इसीलिए इनको बताया गया था दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी, इसलिए इनको कहा गया था भारतीय पुनर्जागरण का पिता। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 24वें भी। 2018 के अंत तक किन दो देशों को यूनेस्को की सदस्यता त्यागनी पड़ी? तो यहाँ पर जो 24 का आंसर था वो थे हमारे यूएसए और इजराइल। तो इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, यूएसए और इजराइल को सदस्यता त्यागनी पड़ी थी। 25वें की बात कर लेते हैं। AITUC की स्थापना कब की गई? तो AITUC की स्थापना जो की गई थी, ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1920, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1928, तीसरा है 31 अक्टूबर 1920, चौथा है 16 अक्टूबर 1920। तो इसका आंसर जो है वो है सी पार्ट, 31 अक्टूबर 1920 को त्यागनी पड़ी, स्थापना इसकी हुई थी। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 26वां। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मनीला, दूसरा दिल्ली, तीसरा बैंकॉक, चौथा हांगकांग। तो जो इसका मुख्यालय है एशियन बैंक का वो है मनीला में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, तो गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल और बीजी तिलक। तो इसके जो थे संस्थापक वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ये था हमारा 27वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारत तथा चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम पूछा हुआ था, कौन सी रेखा थी? तो इसके बीच में जो रेखा है वो है हमारी मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ और चीन के साथ जुड़ती है। बाकी डूरंड जो रेखा है ये हमारी होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, और जो रेड क्लिफ है वो है हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जो मैकमोहन थी वो आंसर था इसका, क्योंकि भारत और चीन के बीच में पूछा हुआ था। अगली बात कर लेते हैं 29वां की। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहेब फाल्के, यश चोपड़ा, हरिवंश राय बच्चन, विनोद खन्ना। तो चारों में से जो आंसर था वो था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि ये पुरस्कार भी दिया जाता है इन्हीं के नाम से, क्योंकि ये किसके थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे, इसी के लिए इसके नाम से एक पुरस्कार भी बना हुआ है। तो 29 के बाद अब बात कर लेते हैं 30वें की।
पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन हैं? तो जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वैसे सर फ्लेमिंग भी दे रखा है अवार्ड, फ्लोर और स्ट्रेटोमाइसिन, ये सब कंफ्यूज करने के लिए फ्लेमिंग दिया है। इसका आंसर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में हुआ है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, तो इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अब आ जाते हैं 32वें क्वेश्चन में। वह नेता जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह हैं। तो जो ये इनका नाम था, पहला ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, माधवराव सिंधिया, बलदेव सिंह, कैलाश काटजू। तो इसका आंसर जो वो था जॉर्ज फर्नांडिस, ये थे इनका जो अभी फिलहाल में निधन हुआ था, एनडी सरकार में क्या रहे थे, रक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, तो अब बात आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा हुआ है, गोरो हिल राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है गोरो हिल? तो इसका आंसर है ये मेघालय, गोरो की पहाड़ियां हैं जो मेघालय में पाई जाती है, तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा और असम भी नहीं होगा। अगली बात कर लेते हैं 34वें क्वेश्चन की। 2018 हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? पहला ऑप्शन था चित्रा मुदगल, दूसरा था कृष्णा सोबती, तीसरा था ऋतुराज, चौथा था वीणा ठाकुर। तो जो इसका आंसर है वो है चित्रा मुदगल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संख्या दर्शन के प्रणेता कौन हैं? तो जो संख्या दर्शन के प्रणेता हैं वो कौन है पूछा हुआ है, तो कपिल, पतंजलि, जैमिनी या बादरायण। तो इसका आंसर जो है वो है ए कपिल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की। 201 दिवसीय मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहला झूलन गोस्वामी, दूसरा मिताली राज, तीसरा पूनम यादव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है हमारी मिताली राज। मिताली राज ने अपने 201 दिवसीय मैच खेले हैं। अगला वो क्वेश्चन है, खेलो भारती दो भारत 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई और चौथा पुणे। तो इसका आंसर होगा पुणे में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस शहर में स्थित है? तो जो अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर या नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो हैदराबाद, ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये हो गया हमारा 38वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 39वें क्वेश्चन की। 39 में अंग्रेजों ने पहली सूरत में फैक्ट्री जो खोली थी उसका उसे किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो यानी किस मुगल शासक की अनुमति से अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोली हुई थी? ऑप्शन एक अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाहजहां। तो इसका आंसर जो है वो है जहांगीर, जहांगीर की अनुमति से सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी खोली थी। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विजय हजारे ट्रॉफी 2018 कौन जीता? दिल्ली, विदर्भ, पश्चिम बंगाल या मुंबई? तो इसमें जो आंसर है वो हमारा क्या है, मुंबई ने जीती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं? पहला है ऑप्शन स्मिता, दूसरा मीना, तीसरा मधुबाला, चौथा नरगिस दत्त। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, नरगिस दत्त हैं। इन्हें पहला जो पुरस्कार मिला था कौन सा वाला, पद्मश्री। तो सबसे पहली महिला हो गई नरगिस दत्त। अगली बात कर लेते हैं 42वां। प्रेमचंद्र का उपनाम क्या है? तो इनका जो उपनाम था वो था ऑप्शन ए में दे रखा है धनपत, दूसरे में धनानंद घनानंद, तीसरा ऑप्शन दिया है उसमें दे रखा है धर्म प्रताप, चौथा है मूलचंद। तो इसका जो आंसर है वो है धनपत राय। प्रेमचंद का जो उपनाम था वो क्या था, धनपत राय। ठीक है, तो ये 42वें क्वेश्चन था हमारा। अब बात कर लेते हैं 43वें क्वेश्चन की। निम्न में से म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण निहित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा 43वां। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अगला दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या स्टॉक्स एक्सचेंज। तो जिनका जो नाम है वो है सी ऑप्शन, इसका सही है कौन सा, 43 का सी, वा सेबी जिसको बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। 44वां है, ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है, फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो सारे जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये इसको क्या करती है, प्रभावित करती है ओजोन गैस को। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी करने के लिए विशिष्ट स्फीति संबंध समझौता किस के द्वारा अपनाया गया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रियो डी जेनेरियो, सॉरी फॉर दैट, इसके आंसर्स कट चुके हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आंसर था ना वो दे रखा है इसका, कौन सी का, 45 का, 45 का ए ही था, बाकी ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं है। रियो डी जेनेरियो गोष्ठी थी जो, वो इसी का, इसको अपनाया गया था, ठीक है, अगले समझौता हुआ था इसी के साथ। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46वां, द रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान किसकी कृति है या किसने लिखी है, जो लेखक हैं इसके वो पूछे हुए हैं। तो ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा अरविंद घोष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो आंसर था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है, सारे लोग जानते होंगे पृथ्वी की जुड़वां बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला 48वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी की किस विधि पर काम करती है, जो ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी है वो किस सिद्धांत पर या किस विधि पर कार्य करती है। ऑप्शन ए वर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डॉपलर का सिद्धांत, सी फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है अपना सी बी पार्ट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों ये हमें कुछ लोगों ने 48 क्वेश्चन ही भेजे थे जो हमने आज डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन सारे आए हुए थे या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं आया था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगर आप अपने जो बीएड का एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में अच्छी नॉलेज चाहते हैं, मतलब अपडेट मिलती रहे आपको, तो इसका काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पता चल जाएगी और आप उसकी न्यूज़ को देख सकेंगे। और सारा का सारा जो न्यूज आएगा वो एकदम 100% सही होगा, आपको कोई भी फ्रॉड नहीं मिलेगा इस चैनल पर। तो अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।